10 मीटर की ऊंचाई से भी कम रह गई है मेरे ख्याल से। एंड हम लोगों ने कर दिखाया गाइस, देखो हमने यहाँ पे आग लगा दिया है, ये देखो इन कागज का ही हिमाचल से गाइस पूरा आग लगा दी, जब संपर्क टूटा देखो लिखा है ना उसमें। सो हे गाइस वी आर लाइव ऑन, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ ये है मेरा सेटअप और यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे अल्टीट्यूड 121 से भी नीचे जा रहा है और गाइस देखो तालियों की गड़गड़ाहट बज रही है। वाओ गाइस बहुत ही दिल की धड़कनें धक 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 बढ़ती ही जा रही हैं और गाइस यहाँ पे देख सकते हो 79 एंड 74 और गाइस ये है मेरा सेटअप, यहाँ पे देखो तिरंगा है और ये माचिस रखा हूँ। पता है ये वही दिन है 7 सितंबर 2019 जब यहाँ पे 2.1 किलोमीटर पर सिग्नल बंद होने की वजह से क्रैश हो गया था, आज ये हो गया है ना तो लैंड। और गाइस ये देख सकते हो ये लैंड होने वाला है। ओके एंड वी आर नियरली एट zero velocity vertical and horizontal, we are so guys, we were hovering we are and very we are close approaching the moon surface 64-63 altitude की ऊंचाई पे हैं हम guys। लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम है कम आ चुके हैं। वाओ गाइस ये बहुत ज्यादा मैं क्या ही बताऊं रोमांचक। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी देख रहे हैं 2019 एंड गाइस वी आर लैंड जस्ट लैंड होने वाले हैं द विजुअल्स। ओ एकदम करीब आ गया है गाइस, 10 मीटर की ऊंचाई से भी कम रह गई है मेरे ख्याल से। एंड हम लोगों ने कर दिखाया गाइस वो लैंड हो चुका है, ये देखो लैंड हो चुका है, देखो तालियों की गड़गड़ाहट। वाह वी डिड इट, पीपल आर अप्लॉडिंग, लेट अस ऑल वेट मोदी जी भी झंडा लहरा रहे हैं गाइस, अब हम भी लहराएंगे। श्री एस सोमनाथ लहरा दो तिरंगा, हमें लहरा दिया तिरंगा चंद्रमा पे, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आप भी कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, गर्व की बात है, बिल्कुल गर्व की बात है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा पास के अपने घर के, अब चंदा मामा से दूर नहीं अपने घर के अपने पास में ही है। ये देखो इनका स्पीच होने जा रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे हम चौथे नंबर पे आ गए हैं कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में से, लेकिन आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया में भारत पहला एक ऐसा देश बन चुका है जो कि चंद्रमा में साउथ पोल पे एकदम सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन चुका है गाइस, जो अभी तक कोई और देश नहीं कर पाए थे, जैसे कि यहाँ पे लूना 25 जो कि क्रैश लैंडिंग हो चुके दुर्भाग्यवश, और यहाँ पे हमने तो सफलतापूर्वक कर लिया वो भी 600 करोड़ कम से कम लागत में गाइस, तो बहुत ही ज्यादा मैं क्या बताऊँ प्राउड वाली मूवमेंट है। और गाइस ये वही वक्त था, देखो मैं उस समय रात को 1-12 बजे करीब यहाँ पे मैं देख रहा था प्रसारण, लेकिन यहाँ पे जब उम्मीदें सारी टूट गई 2.1 किलोमीटर में पहले सिग्नल यहाँ पे बंद हो गया था गाइस, और यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ इतना भावुक पल था, देखो सबकी चेहरों पे निराशा तनाव और बहुत है, और ये देखो ये वाला पल तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे जब इनके आंखों में आंसू आ गया है। तो मैंने आपसे कहा था ना जब हमारा ये चंद्रयान 3 एकदम सफलतापूर्वक लैंड हो गया ना मैं इसको आग लगा दूंगा, तो ये देखो अब आग लगाने का वक्त आ गया है, तो चलो गाइस ये माचिस है इनको आग लगाते हैं, आज मैं इनको चला दूंगा ना, और जो कल वाला जो पेपर आएगा ना उसकी कटिंग को मैं संभाल के एक मेमोरेबल मोमेंट के तौर पे मैं रखूंगा। सोचो 2019 से आज 2023 को लैंड हुआ, 4 साल की मेहनत और 4 साल के से इन कागजों को मैंने संभाल के रखा था यही मोमेंट के लिए, तो फाइनली आ गया है, तो आइए चलाते हैं। फाइनली वो दिन आ चुका, गाइस देखो हमने यहाँ पे आग लगा दिया है, ये देखो इन कागज का ही हिमाचल से जल रही, और ये देखो ये गाइस पूरा आग लगा दी, जब संपर्क टूटा देखो लिखा है ना उसमें आज मैंने आग लगा दी। मैंने आपसे वादा किया था ना अगर ये कंप्लीट हो जाएगी इनको जला के राख कर दूंगा,
और ये देखो फाइनली वो चीज कंप्लीट हो चुका है गाइस, और यहाँ पे हमने जला के इसको राख कर दिया है। और क्या ही बताऊं यार, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो ना तो प्लीज लाइक करो, और मैं आपको बता दूं मिनी व्लॉग्स भी अपलोड करता रहता हूं अपने चैनल पे डेली मिनी व्लॉग्स, आप जाके जरूर देखो। और कमेंट में जय हिंद जय भारत और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिखिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। तो ये सब तक आ रहे हैं, इन दो व्लॉग को आप जरूर ही देखिए।